हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा इधर जितने भी विलेजर्स थे, हमने सारे विलेजर्स लोगों को सेव किया था। हालांकि हमने दो विलेजर्स लोगों को ही सेव कर पाए और उसमें भी एक विलेजर जो है मर चुका है दोस्तों। अभी इस पूरे विलेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही विलेजर जो है बचा है। और हमने पिछले वीडियो में पोटैटो का भी फार्मिंग भी किया, क्योंकि पहले हमको खाना का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि आप उधर देख सकते हो, उधर डट मैंने लगा दिया था डोर के पास, ताकि वो विलेजर बाहर नहीं आ पाए। उधर उस इसी घर में विलेजर जो है दोस्तों, अभी इस पूरे विलेजर में सिर्फ और सिर्फ एक ही विलेजर है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम करने वाले शुगर कैन का फार्म, ताकि हमको बहुत ज़्यादा पेपर मिल सके। और हम करने वाले वीट का फार्म, उससे हमको काफ़ी ज़्यादा जो है वीट मिलेगा और हम उससे काफ़ी ज़्यादा गाय लोगों को पालेंगे और उससे हमको काफ़ी ज़्यादा लेदर भी मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास जो है ना, मेरे पास 6 शुगर कैन जो है पड़े हैं। आप देख सकते हो पूरे के पूरे मेरे पास 6 शुगर कैन है और मेरे पास 23 लेदर भी है। आप देख सकते हो 23 लेदर है। अभी मैं क्या ना, जितने भी मेरे पास शुगर कैन है, मतलब 6 शुगर कैन है, अभी मैं 6 शुगर कैन को जो है ना मैं प्लांटिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा प्लेन जगह ढूंढना है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे विलेज के पास ही एक जगह है। अभी क्या है ना, मैं इधर खोदता हूँ ताकि इधर क्या है ना मैं पानी डाल सकूँ, क्योंकि दोस्तों शुगर कैन जो है पानी के पास ही उगता है। तो इधर क्या है ना, मैं पूरे के पूरे 10 ब्लॉक जो है खोदने वाला हूँ और इधर मैं पूरे के पूरे पानी डालूंगा। और इसी तरीके से मैं 5 ब्लॉक जो है, मतलब 5 रो की तरीके से मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर मैंने थोड़ा सा जगह बना लिया ताकि जो है ना शुगर कैन जो है उग सके। अभी क्या है ना, मेरे को इधर पानी लाकर डालना पड़ेगा, तभी जो है शुगर कैन जो है उगेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर जो है रात होने वाला है। अभी मेरे को क्या करना है, जल्दी से जल्दी जाकर सोना पड़ेगा, क्योंकि रात में जो है ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। अभी मेरे पास ज़्यादा हथियार भी नहीं है ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, चुपचाप से जाकर मैं जो है सो जाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं सो के उठ चुका हूँ। अभी मेरे को जितना भी सामान जो है ज़रूरी है, वो सामान मैं अभी लेने वाला हूँ। अभी मेरे को एक बकेट चाहिए, तो मैं जल्दी से जल्दी एक बकेट जो है बना लेता हूँ। तो अभी बकेट बनाने के लिए हमको चाहिए आयरन। आयरन जो है मैंने ऑलरेडी ले लिया दोस्तों। अभी मैं सीधा जाऊंगा बुक पर। अभी मैं बुक पर देखूंगा, अभी जो है मैंने ऑलरेडी बकेट जो है बना लिया दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, बकेट जो है बन चुका है। अभी मेरे को क्या करना है, अभी इस खाली बकेट को मेरे को फिल करना है पानी से। अभी मेरे को जाना है पानी के पास और मैं फिल करूँगा इस खाली बकेट को पानी से। तो पानी जो है पीछे ही है दोस्तों, मतलब मेरा जो फार्म है इधर ही है। तो मैं इधर से ही जो है ना पानी जो है ले लेता हूँ इधर। ये क्या है ना, अनलिमिटेड सोर्स है, तो मैं जितना भी लेना चाहूँ ले सकता हूँ। तो मैं क्या है ना, उधर भी एक अनलिमिटेड जो है वाटर सोर्स बना लेता हूँ दोस्तों, ताकि मेरे को मतलब बार बार इधर उधर घूमना ना पड़े। तो दोस्तों, इधर मैं एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेता हूँ। तो अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने के लिए आप लोगों को 4 ब्लॉक जो है इस तरीके से खोदना पड़ेगा। खोदने के बाद आप लोगों को क्या करना है, वाटर बकेट जो है ना उधर डाल देना है। और डालने के बाद आप लोगों को दूसरा जो वाटर बकेट है वो लेना है, और वो क्या है ना ऑपोजिट डायरेक्शन आप लोगों को डालना है दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर खाली है और मैंने जैसे ही डाला, जो वाटर फ्लो है वो कम हो गया, मतलब वाटर फ्लो स्टैंडर्ड हो गया दोस्तों, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो, मैं इधर से ही जो है ना पानी लेकर इधर जो है ना फिल कर दे रहा हूँ। अभी मैं जितना इधर पानी जो है फिल हो सकता है, उधर पूरे के पूरे जितना भी, मतलब 4 कॉलम है, इन सारे को जो है ना मैं पूरी तरीके से फिल कर दूंगा दोस्तों पानी से। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर पूरे के पूरे मैंने पानी से भर दिया है दोस्तों। अभी मेरे पास 6 शुगर कैन जो पड़े हैं, वो 6 शुगर कैन को मैं अभी प्लांट कर देता हूँ। अभी मैं जो मेरे पास जो 6 शुगर कैन आप देख सकते हो, 6 शुगर कैन मैंने अभी निकाल दिया। अभी मैं इधर ही जो है 6 शुगर कैन जो है मैं प्लांट कर देता हूँ। इधर मेरे पास जितना भी शुगर कैन है वो मैं प्लांट कर देता हूँ। जब यह बढ़ जाएगा ना, तभी मैं अभी इधर पूरी तरीके से जो है ना शुगर कैन जो है प्लांट कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इसी घर में जो है ना विलेजर जो है कैद पड़ा है। आप देख सकते हो, इधर आप लोगों को विलेजर जो है दिख रहा है, मतलब मैं कंफर्म करने के लिए देख रहा था, मतलब ये विलेजर मर चुका है या जिंदा है। तो ये विलेजर जो है जिंदा है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अभी बनाने वाले वीट का फार्म। जैसे कि आप सब लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, हम बनाएंगे शुगर कैन का फार्म, मतलब पहले हम बनाएंगे शुगर कैन का फार्म। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने शुगर कैन का जो है ना फार्म जो है बना दिया। अभी हम बनाने वाले वीट का फार्म। तो दोस्तों, आप इधर देख सकते हो, ये है हमारा पोटैटो का फार्म। हमको इधर से ही जो है खाना मिलता है। तो हम क्या करने वाले, हम इसके ऊपर एक छत बनाएंगे और इसके ऊपर ही हम जो है ना वीट का जो फार्म है बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, उसके लिए ना हमको ना थोड़ा सा ब्लॉक्स जो है ज़रूरत है। तो मेरे पास जो है ना दट का जो है ना ब्लॉक्स है, तो मैं अभी क्या है ना दट का ही जो ब्लॉक्स जो है ना यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों। तो अभी क्या है ना, मैं डट का जो है ना ब्लॉक लगा देता हूँ। दो दो ब्लॉक, मतलब गैप जो है ना मेरे को इधर दो दो ब्लॉक का गैप भी जो है ना छोड़ना पड़ेगा, ताकि मैं भी अंदर जा सकूँ, मतलब नीचे का जो है ना उसके भी अंदर जा सकूँ।
और इधर भी मेरे को दो ब्लॉक जो है लगाना पड़ेगा, मतलब एक ब्लॉक में मतलब पानी आएगा, पानी भी रखना पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए मेरे को पानी का भी जो है ना बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी क्या ना मैं पूरी तरीके से एक आउटलाइन जो है बना लेता हूँ और उसके बाद मैं पानी का ये सब का इंतज़ाम कर आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर पूरे के पूरे मैंने एक छत जो है बना दिया दोस्तों, मतलब इधर पूरे के पूरे जो है ना मैंने फिल कर दिया। अभी क्या करना है, अभी मेरे को इधर जो बीच में जो है ना इधर पानी आएगा और बाजू में जो है ना पूरे के पूरे जो है ना हमारा वीट का जो फॉर्म है आएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी क्या है ना मेरे पास दट का जो ब्लॉक्स है वो भी कम हो गया दोस्तों, अभी मैं मेरे को बीच में जो है ना पानी भी रखना पड़ेगा और पानी भी लेकर आना पड़ेगा दोस्तों। अभी मेरे पास पानी भी नहीं है तो डट भी कम हो गया दोस्तों, अभी मेरे को डट भी लेकर आना पड़ेगा और पानी का जो है ना एक बकेट पानी है और दूसरा बकेट जो है ना पानी भी लेकर आना पड़ेगा और मेरे को इधर एक मतलब स्टेयर्स भी बनाना पड़ेगा मतलब ऊपर जाने के लिए, तो उसका भी सबका मतलब इंतजाम भी करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले क्या है ना मैं जितना हो सकता है उतना डट जो है कलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं जाकर बहुत ज़्यादा डट जो है ना लेकर आ गया, मतलब पास में ही था तो मैंने बहुत ज़्यादा डट जो है लेकर आ गया, मतलब फिर से मेरे को ज़रूरत ना पड़े। अभी आप देख सकते हो इधर पूरे के तरीके से मैंने डट से जो है ना फिल कर दिया। अभी मेरे को क्या ना इधर जो है ना पानी लेकर आना पड़ेगा दोस्तों, पानी और इधर लेकर आकर मेरे को इधर से फिल करना पड़ेगा। तो मैं अभी नीचे जाऊंगा और नीचे जो है ना अनलिमिटेड वाटर सोर्स है जैसे कि मैंने आप सब लोगों को दिखाया, लेकिन मेरे पास एक वाटर बकेट जो है लेकिन एक वाटर बकेट से जो है ना काम नहीं चलने वाला, मेरे को और भी वाटर बकेट का मतलब वाटर का जो है ना ज़रूरत है। तो नीचे ही है, मतलब उतना भी जो है ना मुश्किल नहीं है, मेरे पास नीचे ही है। तो दोस्तों अभी मैं इधर क्या ना पूरी तरीके से पानी जो है भर दिया, अभी मैं थोड़ा सा खाना जो है खाने वाला हूँ क्योंकि पूरी तरीके से पेट जो है खाली हो गया। अभी क्या ना पूरी तरीके से इधर जो है पानी फिल हो गया, अभी मेरे को जाना है सीड्स लेकर आना पड़ेगा और सीड्स लेकर आने के बाद मैं इधर जो है ना प्लांटिंग जो मतलब वीट का जो प्लांट है वो मैं लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मेरे पास पूरे की तरीके से 19 सीड्स जो है ना 19 सीड्स ही है, तो मेरे पास जितना सीड्स है उतना सीड्स का जो है ना मैं प्लांटिंग जो है करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो मैं पूरी तरीके से मेरे पास जितने भी सीड्स है वो सारे सीड्स को मैं अभी प्लांट कर देने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैं प्लांट जो है कर दिया, अभी मेरे पास जो है ना जितने भी सीड्स है मैंने प्लांट कर दिया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। अभी क्या ना इसको उगने के लिए वेट करते हैं, जब ये उगेगा उसके बाद हम लोग को और ज़्यादा जो है ना सीड्स जो है मिल जाएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी क्या ना हमको शुगर कैन का जो है ना उगने के लिए वेट करना पड़ेगा और इसका भी उगने का वेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमको सिर्फ और सिर्फ वेट करना पड़ेगा, मतलब शुगर कैन और वेट दोनों को उगने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना टाइम हमको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है इधर ही हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक और शेयर भी करो, और आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आप लोगों का ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है हम इधर ही खत्म करते हैं, तो मिलता अगले वीडियो में दोस्तों, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अलविदा।